आगरा में ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक और कैंटर में भिड़ंत। टक्कर के बाद ट्रक हाईवे पर पलटा तो कैंटर अस्पताल में घुसा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मौके पर कोई नहीं था। वही आगरा से खबर है जहां पर अस्पताल में भर्ती थाना शमशाबाद के नवादा के पास एक घटना हुई है। बाइक डिवाइडर से टकरा गई। बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलीगढ़ के मेन टेलीफोन एक्सचेंज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। आग से किसी के हताहत होने की खबर है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा। ऑल वेदर रोड के तहत चल रहे काम के दौरान सड़क पर गिरा मलबा। दो लोग घायल, एक शख्स की मौत। कुशीनगर में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। मकान निर्माण में सरिया बांधने के दौरान चपेट में आया मजदूर कैलाश। अकबरपुर तेज बारिया का रहने वाला था मजदूर। हरिद्वार के बीएचईएल में केंद्रीय विद्यालय को बंद करने का विरोध। अभिभावकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का समर्थन किया। हरिद्वार के थाना सिडकुल पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो तस्करों को पकड़ा। जड़ी बूटियों की तस्करी करते थे आरोपी। उनके कब्जे से 590 ग्राम कीड़ा जड़ी बरामद। वाराणसी में जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। हाथ लगी कैंट स्टेशन से जीआरपी ने बरामद किए 9000 अमेरिकी डॉलर। वाराणसी से पटना भेजी जा रही थी विदेशी करेंसी। पन्ना में खनन माफिया के हौसले बुलंद। ग्राम समाज के तालाब से खोदी 15 फीट मिट्टी। ग्रामीणों में आक्रोश। बीगापुर के मुरैता का मामला। फरुखाबाद महोत्सव का आगाज। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड पर 3 दिन तक का चलेगा महोत्सव। योगी 2.0 सरकार का आज 1 साल पूरा। सीएम लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री और सांसद भी गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। यूपी में सीएम योगी के नाम बना अनोखा रिकॉर्ड। लगातार 6 साल 6 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड। उनसे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद के 5 साल 345 दिन सीएम पद पर रहने का रिकॉर्ड। साबरमती जेल। गुजरात की 17 जेलों में रात भर ताबड़तोड़ छापेमारी। कई मोबाइल फोन बरामद। गृह राज्य मंत्री संघवी ने कंट्रोल रूम में लाइव निगरानी। पंजाब से भागे अमृतपाल की यूपी उत्तराखंड में तलाश हुआ थे। सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इरफान सोलंकी की मुश्किलें बरकरार। सपा विधायक की आज फिर कानपुर की कोर्ट में पेशी। 3 मामलों में सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर आज भी होगा एक्शन। याकूब की अवैध संपत्ति को खुद करेगी पुलिस। गाड़ियां और कुछ मकानों को जब्त करेगी पुलिस। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज कोर्ट सुना सकता है अहम फैसला। शाही ईदगाह का पहले कोर्ट कमीशन नियुक्त करके सर्वे कराया जाएगा या फिर नहीं, इस पर फैसला होगा। मेरठ में मंत्री धर्मपाल सिंह ने भैंसाली बस अड्डे का निरीक्षण किया। रात के निरीक्षण में बस अड्डे पर अव्यवस्थाओं की पोल खुली। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी पर आए फैसले पर बोले मंत्री गणेश जोशी। कहा कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं। कानून सभी के लिए एक बराबर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल। 6 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। किंजल सिंह होगी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा। प्रकाश बिंदु को यूपी सिडको का जिम्मा। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की 35 करोड़ की संपत्ति जब्त। आयकर विभाग ने कसा शिकंजा। ऑपरेशन बाबू साहब 2 के तहत कार्रवाई। केंद्र के फैसले के बाद यूपी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता साफ। प्रदेश के 12 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और 7 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को बताया गैरकानूनी। हड़ताली कर्मचारियों को महीने की सैलरी और पेंशन भुगतान पर लगाए रोक। बांके बिहारी कॉरिडोर मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार और सेवायतों के बीच विवाद निपटाने के लिए नियुक्त करेगी मध्यस्थ। कोर्ट ने इसके लिए अपर महाअधिवक्ता से मध्यस्थ के नाम का सुझाव मांगा। आईआईटी रुड़की की तकनीकी जांच रिपोर्ट न मिलने से हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण नहीं हो पाया। शुरू रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार फैसला लेगी कि हेलंग बाईपास का निर्माण कार्य जारी रहेगा या नहीं। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने मंजूरी दी। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों और डंडी कंडी का किराया होगा महंगा। घोड़े खच्चरों के लिए 2500 और डंडी कंडी के जाने के लिए देने होंगे 8000 रुपए। कानपुर नई सड़क हिंसा मामले में आरोपी मुख्तार बाबा को झटका। दारुल मौला और रामजानकी की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगी। जिला प्रशासन ने अपने स्तर से जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा में गुप्तकाशी से केदारनाथ हेली सेवा का किराया 10 रुपए सस्ता हुआ। इस बार हेली सेवा से यात्रा करने वाले यात्रियों को दोनों तरफ का किराया 7740 रुपए देना पड़ेगा। मथुरा में कोरोना के 2 केस मिलने के बाद खुली स्वास्थ्य विभाग की नींद। वृंदावन में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। राज्यपाल हत्याकांड में शामिल 50,000 का इनामी अब्दुल कवि की तलाश। कौशाम्बी पुलिस ने यमुना की तराई के जंगलों में छापा मारा। शरण देने वाले 5 सगे संबंधी अरेस्ट। माफिया और वाराणसी के पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह के नाम पर धमकी। रोडवेज बस के कंडक्टर को धमकी देने का वीडियो सामने आया। जांच में जुटे अधिकारी। मुरादाबाद में राज्य सूचना आयुक्त किरण वाला चौधरी ने समीक्षा बैठक की। पेंडिंग केस की जानकारी ली। पर्सनल जानकारी देने का फाइन लगाया।
मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25,000 का बदमाश अपराधी बलराम उर्फ बल्ला मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा, तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल। गिरभीत में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की, 10 लाख की संपत्ति को कुर्किया, थाना न्यूरिया क्षेत्र के गुलड़िया भिंडारा की घटना। राहुल के लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का प्लान, आज से देश भर में प्रदर्शन शुरू होगा, सोमवार से देश के हर कोने में बड़े स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान। लोकसभा की सदस्यता खो चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सजा से लेकर सदस्यता जाने की हर बात पर देंगे सवालों के जवाब। आज फिर मिशन कर्नाटक पर जाएंगे पीएम मोदी, बेंगलुरु में नए मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन, चिकबल्लापुर में मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट की शुरुआत करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सीबीआई के सामने पेशी आज, लैंड फॉर जॉब केस में होना है सवाल जवाब, अदालत ने 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के बाद आज ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, कोर्ट ने सीबीआई मामले में जमानत पर 31 मार्च तक फैसले को सुरक्षित रखा। श्रद्धा हत्याकांड में आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि आफ्ताब ने सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की तरफ से दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी, नोरा ने एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ याचिका डाली। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में दो आतंकियों को गिरफ्तार किया, भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। मुंबई में ईरान में गिरफ्तार 5 भारतीयों की 3 साल बाद वतन वापसी हुई, ड्रग्स केस में मर्चेंट नेवी के 4 लोगों को ईरान में गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट ने बरी किया, एयरपोर्ट पर परिजनों से स्वागत किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।